रनिंग में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो आपके लेग की आती है कि लेग जल्दी से आपके भर जाते हैं। अगर आप 1600 मीटर की तैयारी करते हो या 800 मीटर की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा कि लास्ट की 400 मीटर जो आपकी काफी खराब लगती है, किस कारण? आपके लेग जल्दी भर जाने से, ठीक है? वो किस कारण भरते हैं और उसे कैसे ठीक करना है कि इन फ्यूचर आपका जो 1600 मीटर काफी इंप्रूव हो जाए। और अगर लेग अच्छे से नहीं, लेग भरेंगे नहीं तो आपको पता है 1600 मीटर काफी अच्छी लगेगी, ठीक है? तो कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो लेग नहीं भरेंगे जिससे, और कुछ ऐसी टेबलेट भी बताऊंगा जो खाने से आपको और इम्प्रूवमेंट आएगा। और एक चीज का आपको टेस्ट कराना है, ये आपके लिए एक टिप है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, ये ब्लड वाला कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो ये छूट जाएगा, बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं। आपको एक चीज का चेकअप कराना पड़ेगा, तो अगर वो आपका ठीक होता है तो आपके पैर नहीं भरेंगे, अगर वो ठीक नहीं है तो आपके पैर 100% भरेंगे। और उसे कैसे ठीक करना वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो में बने रहे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टेबलेट्स की बात कर लेते हैं और इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरी एक पहले ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने रनिंग के लिए बता रखा है, ये भी आपकी लेग के लिए है, पर लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक आप जो है न्यूरोबिन पोर्ट का इंजेक्शन ले सकते हो या उसकी टैबलेट ले सकते हो, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज और कुछ ऐसा वर्कआउट जो आपको करना चाहिए अगर आपको आपकी लेग बढ़ते हैं। तो चलो कौन कौन सी एक्सरसाइज है उसको भी देखते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो आपको ऐसे करना है, आपको सबसे पहले आपको पैर जो अंदर की तरफ चलाने हैं कंटिन्यू। आपको ये रोज एक्सरसाइज करनी है, ये आप एक दिन भी नहीं छोड़नी है, ठीक है? रोज करनी है, जैसे आपका वर्कआउट खत्म हो जाए, आपकी रेपिटेशन खत्म हो जाए, आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते, ठीक है? लास्ट में जो आप एक्सरसाइज करते हो ना नॉर्मल, वो कर, ठीक है? ये करनी काफ़ी जरूरी है। फिर दूसरी एक्सरसाइज हमारी जो है, आपको अंदर की जगह बाहर की तरफ पैर करने हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो बाहर की तरफ आपके पैर चलने चाहिए, और इनको काउंट करते रहना। जैसे आपने 10 बार करा, ठीक है, लेग चेंज आपस में 10-10 बार करा, फिर दूसरा भी 10-10 बार करा, तो अगले सप्ते कोशिश करें 15-15, 20-20 करने की, ठीक है? आप ऐसे करें। और तीसरी चीज़ जो है, आप जैसे वीडियो में देख रहे हो कंटिन्यू पहले दोनों पैर टेकना है, फिर पीछे आना है, फिर दोनों पैर टेकना है, फिर पीछे आना है। ये 1600 मीटर के लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट है आपके लिए, स्टेमिना भी अच्छा बनेगा और साथ साथ यहाँ तक कि आपके जो पैर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग से हमारा मतलब है आपकी जो अंदर की मसल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है? अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आपके पैर नहीं बनेंगे, जो काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आपको करना है, अब स्ट्रेचिंग भी होना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत क्या करते हैं, रनिंग करी, वार्म अप करा, एक्सरसाइज करा और अपने सीधे घर चले गए, जो काफ़ी बेकार चीज़ है। स्ट्रेचिंग करनी काफ़ी ज़रूरी होती है, उससे कई फायदे मैं थोड़े आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पेन, अगर बाई चांस इन फ्यूचर कोई पेन हो जाता है, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते तो पेन काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप स्ट्रेचिंग करते तो वो पेन जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी आपको रिलैक्स हो जाते हैं उस पेन से, ठीक है? ये एक फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर कहीं भी स्ट्रेचिंग के ऊपर, स्ट्रेचिंग के फायदे और नुकसान। नुकसान कोई नहीं बताता, सब फायदे बताते हैं, ठीक है? और आप स्ट्रेचिंग से और भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपके लेग स्टेप काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, आपकी जो मसल्स टाइट होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है? जो काफ़ी फायदेमंद है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग करो, रेगुलर करो, ठीक है? छोड़ो मत, जब भी आप हार्ड वर्कआउट करो जब तक बिल्कुल करो स्ट्रेचिंग, ठीक है? और स्ट्राइड मारो, स्ट्राइड होती है एक प्रकार से आपकी 100 मीटर की रेस बोल सकते हैं, पर मैं 50-50 मीटर यूज़ करता हूँ। तो स्ट्राइड मारो, स्ट्राइड से भी आपकी जो है हैमस्ट्रिंग काफ़ी टाइट हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, ठीक है? आपकी लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेग में पावर आएगी। आपको पता होगा, आप एक बार चेक करना, जब आप एक बार में तेज भगोगे ना, एक बार 100 मीटर भग के देखना, अगर आपके आगे के पैर जो यहाँ से पेन उठता है, दर्द करते हैं, तो इसका मतलब आपके पैर काफ़ी नाजुक हैं, दर्द करते हैं, मतलब प्रॉब्लम आपके पैर में, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? रोज स्ट्राइड मारो, अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है? कोशिश करें आप ज़्यादा लॉन्ग वर्कआउट करें स्टार्टिंग में, अगर आपके लेग बढ़ते हैं तो लॉन्ग करें। लॉन्ग ये नहीं आप स्लो कर रहे हो, लॉन्ग को एक पेस के हिसाब से करो। जैसे मान लो पेस होता है, जैसे आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो तो 1 किलोमीटर आपकी 4 मिनट या 4-5-10 तक टिक जानी चाहिए, या 4 से नीचे टिक जानी चाहिए। ये नहीं आपकी 1 किलोमीटर 6-6, 7-7 मिनट की टिक रही है, ठीक है? तो पेस बना के चलो, एक ही पेस से चलो। आप टाइम का कर सकते हो हर 1 किलोमीटर का, पर आगे पीछे मत होना, ठीक है? ये हो गया आपके वर्कआउट की बात। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है आपकी, जैसे कि एक जो मैंने टिप बताना था आपको कि क्या होना है, आप एक ब्लड टेस्ट करवाना, जिसमें कि वो एक आपको यहाँ पिन मारते हैं और जो ब्लड निकलता है उसका 1% देखते हैं आपका ब्लड कितना, मतलब कितने परसेंट आपकी बॉडी में ब्लड है, ठीक है? अगर आपको 12% होता है, 12% से डाउन होता है, तो आपको वो ब्लड, मतलब आपका जो खून की पावर है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना गाढ़ा खून, वो करवाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, आपको मतलब ज़्यादा चकुंदर, मतलब लाल चीज़ खानी होगी, चकुंदर हो गया, अनार हो गया, ऐसी चीज़ें, ठीक है? और टैबलेट्स भी आती हैं खून मोटा करने के लिए, ठीक है? अगर 12 से ऊपर है, 13 या 14 से ऊपर नहीं होना चाहिए, रनिंग में 13 और 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अगर 13 और 14 है तो आपकी लेग जल्दी से नहीं भरेंगे, तो ये होना चाहिए आपका 13 और 14 होना चाहिए। तो अब एक बात और, ये आपके पैर क्यों भरते हैं? ये भरते हैं आपके पैर कमजोर होने की वजह से। आपको स्क्वैट मारने हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, 7 डे का मैंने चैलेंज लिया था, 7 डे में मेरे आप स्क्वैट देख सकते हो कितने मैंने स्क्वैट मारे, किस तरीके से मारने हैं। नॉर्मल स्क्वैट नहीं मारने, अलग तरीके से मारने हैं, ठीक है, जिसके कारण आपकी जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफी टाइट हो जाएगी और जिससे आप आराम से भाग सकते हो। आपके पैर ही लूज है तो आप क्या भाग पाओगे। आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग के लिए भी अच्छे से एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग करो, 100% रनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। लॉन्ग रनिंग पे ज्यादा ध्यान रहो, रेपिटेशन मारो दबा के। रेपिटेशन आपको पता होगा, एक ही चीज को उस वर्क को दोबारा दोबारा करना, जैसे 1 किलोमीटर को 2-3 बार मारना रेस्ट ले लेके, पर एक पेस के साथ, ठीक है, ज्यादा तेज पेस के साथ लोगे तो ही इम्प्रूवमेंट आएगा। और कोशिश करो डाइट जो है आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, डाइट पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे आप मान लो वर्कआउट जितना करते हो ना, उससे ज़्यादा आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आपको नॉर्मल खान पान है तो बेकार है। आप मेरे चैनल पे जाएं, सब मिल जाएगा, डाइट की वीडियो, वेट लिफ्टिंग सब मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ को यूज़ करते हैं तो गारंटी आपकी जो रनिंग में पैर भरते हैं वो सिर्फ एक सप्ते के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। 1600 मीटर का टाइम चाहे आपके कितना ही हो, पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका 1600 मीटर का टाइम कितना है फिलहाल। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हमारे चैनल पर आर्मी फिटनेस और स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कोई आपकी कोई और प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं लगभग, कि कैसे ठीक करना है, क्या करना है। बस इस वीडियो में मिलते हैं, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।